एक शहर में विमला अपने बेटे वीर के साथ रहती थी। वीर अपनी माँ विमला से बहुत प्यार करता था। विमला वीर से कहती है, वीर बेटा मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। मेरा बेटा वीर किसी से कम थोड़ी है, गोरा स्मार्ट और क्या चाहिए लड़के में, इसीलिए मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी। वीर विमला से कहता है, ठीक है माँ आपकी जैसी मर्जी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वीर अपने कॉलेज जाता है, वहाँ पे एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। वीर उन लड़कों से कहता है, क्या बदतमीजी है ये, भागो यहाँ से वरना तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। वो लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वीर उस लड़की से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, वो लड़के तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। इमली वीर से कहती है, मेरा नाम इमली है, वो लड़के मेरे काले रंग की वजह से मुझे परेशान कर रहे थे, थैंक यू आपने मुझे उनसे बचा लिया। इमली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वीर को इमली से प्यार हो जाता है। एक दिन वीर इमली से कहता है, इमली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इमली वीर से कहती है, वीर जी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपके और मेरे रंग में कितना फर्क है, आप कितने गोरे हैं और मैं कितनी काली। वीर इमली से कहता है, इमली मुझे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे सादगी से प्यार है ना कि तुम्हारे रंग से। इमली ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वीर इमली से मंदिर में शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। विमला जब इमली को देखती है तो वो वीर से कहती है, वीर एक काली लड़की कौन है। फिर वीर विमला से कहता है, आई ये मेरी पत्नी इमली है, मैंने इससे मंदिर में शादी कर ली है। विमला वीर से कहती है, वीर मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो तुमने मुझसे बिना पूछे इस काली लड़की से शादी क्यों की। वीर विमला से कहता है, आई अगर आप इमली को इस घर की बहू नहीं मानेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इमली विमला से कहती है, आई मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। विमला इमली को एक महीने का टाइम देती है। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। इमली विमला का बहुत ख्याल रखती थी तो विमला इमली को अपनी बहू मान लेती है। फिर वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।